बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनायास फूड वैली, वेलकम टू ऑल माय व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आज मैंने बनाया बहुत ही मज़ेदार किस्म का यखनी बीफ पुलाव, वो भी देगी बीफ पुलाव जैसा। जब आप ये बीफ पुलाव घर बनाएंगे तो आप देगी बीफ पुलाव को ज़रूर भूल जाएंगे, क्योंकि ये बीफ पुलाव की रेसिपी इतनी ईजी है। जब आप इसकी रेसिपी ट्राई करेंगे तब आप इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप ये पुलाव बार बार बनाएंगे अपने घर पे। ये ईद स्पेशल रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही आसान है। तो इस ईद पे ये बीफ पुलाव बनाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ज़्यादा की बात करते हैं रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बीफ पुलाव बनाने के लिए जो मैंने चीज़ें ले ली हैं वो कुछ इस तरह से हैं। यहाँ पे मैंने 2 किलो बीफ ले लिया और यहाँ पे 1 किलो मेरे पास चावल है, बासमती राइस है, और गोश्त को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। अब सबसे पहले हम यखनी तैयार कर लेंगे। यखनी तैयार करने के लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं उसमें यहाँ पर मैंने गोश्त को साफ़ कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं जिसे मैंने इस तरीके से काट लिया। उसके अलावा 2 साबुत लहसुन ले लिए हैं। उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास कुछ साबुत गरम मसाले हैं जो कि मेन है। 1 टेबल स्पून यहाँ पर सूखा धनिया, 8 से 9 लौंगे हैं, 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा है, 2 तेज़पात के पत्ते हैं, 1 टेबल स्पून यहाँ पे सौंफ है, 8 से 9 यहाँ पे काली मिर्चें हैं, और यहाँ पे मैंने बड़ी इलायची ले ली है 1 अदद। इन सब मसालों से यखनी बहुत ही टेस्टी तैयार होगी। आप चाहे तो इनको मलमल के कपड़े में डाल के पोटली बना के डाल लें यखनी में, मैं इनको ऐसे डालूंगी और बाद में छान लूँगी। उसके अलावा यहाँ पे मैंने नमक ले लिया है 2 टेबल स्पून, ठीक है, जिनसे हम यखनी तैयार करेंगे। मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर में कर रही हूँ, आप चाहे तो इसको देचके में भी कर सकते हैं। मैं इसमें सारी चीज़ें डाल दूँगी और इसके अंदर चावलों को, मैंने 1 किलो चावल लिए तो उस हिसाब से मैं पानी ले लूँगी। 1 गिलास चावलों के साथ 1.5 गिलास पानी चलता है, तो उस हिसाब से मैंने इसमें पानी डालूँगी ताकि यखनी जो है मैं उसको बाद में चावलों में यूज़ कर सकूँ। ये देखें इस तरह से, यहाँ पे मैंने कुकर को बंद कर दिया। मैं तकरीबन इसे वेट लगाऊंगी, सीटी चलने के बाद 15 मिनट का इसे मैं वेट लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने इसको स्टोव ऑन करके चूल्हे पे चढ़ा दिया। अब हम दूसरी तरफ अपने मसाले की तैयारी कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए जो मैंने चीज़ें ले लिया वो इस तरह से हैं। यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए जिन्हें मैंने रफली ब्रीक चॉप कर लिया। उसके अलावा मेरे पास यहाँ 4 बड़े साइज़ के टमाटर थे जिन्हें मैंने काट लिया, बाद में इन्हें मैं ग्राइंड करके इनका एक पेस्ट तैयार कर लूँगी और पेस्ट डालूंगी। उसके अलावा मेरे पास यहाँ 2 टमाटर हैं स्लाइसिस में, सब्ज़ मिर्चें और पुदीना है। उसके अलावा यहाँ पे 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा है, नमक ले लिया है मैंने 1/2 टेबल स्पून, क्योंकि यखनी में भी नमक डाला है इसलिए आपने ध्यान से नमक डालना है, 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें ले ली हैं। यहाँ पे मेरे पास पुलाव मसाला है जो कि मेरा होममेड है, इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे हल्दी है, 1/2 टेबल स्पून सूखा धनिया पीसा हुआ, 1/2 टेबल स्पून गर्म मसाला है, थोड़ी सी तली हुई मैंने यहाँ पे प्याज ले ली है जिसे मैं लास्ट में गार्निशिंग में इस्तेमाल करूँगी, जिससे पुलाव का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के इमली है। इन सब चीज़ों से हम जो है एक प्यारा सा मसाला रेडी कर लेंगे। दूसरी तरफ हमारा गोश्त रेडी हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने एक देचका ले लिया, उसमें मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ तकरीबन 1 कप, क्योंकि जो है गोश्त वो खुद भी बहुत घी छोड़ता है इसलिए आपने इसमें घी कम ही इस्तेमाल करना है। पुलाव को हमेशा घी में ही बनाया जाता है, ऑयल में इसका टेस्ट अच्छा नहीं रहता, इसलिए आप जब भी पुलाव बनाएं उसे घी में ही बनाइएगा। यहाँ पर घी जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें जो मैंने प्याज लिए थे वो इसमें ऐड कर दूँगी। प्याज को आपने लाइट ब्राउन सा कलर आने तक कुक करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अक्सर लोग प्याज को बहुत काला कर देते हैं जिससे पुलाव का कलर बहुत डार्क आता है जो अच्छा नहीं लगता। आपने इसको सिर्फ लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक ही कुक करना है। यहाँ पे देखिए प्याज का कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो चुका है, देखिए इस तरह से। अब मैं इसमें जो अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट लिया था वो इसमें ऐड कर दूँगी ताकि उसकी भी साथ इसकी अच्छे से भुनाई हो जाए। अब यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से भून चुका है और इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है और कलर भी जो हमें प्याज का चाहिए था वो आ चुका है। तो अब इसमें मैं टमाटरों का पेस्ट ऐड कर दूंगी जो कि मैंने बना लिया था। मैंने आपको बताया था मैंने 4 अदद बड़े टमाटर लिए हैं, उनको मैं ग्राइंड कर लूँगी और उसके बाद इसमें डालूंगी, उससे जो है मसाला बहुत अच्छा सा बनेगा। अब यहाँ पर 1 मिनट हो चुका है, तो अब मैं इसमें मसाले भी ऐड कर दूँगी जो मैंने लिए थे। मसाले डालते वक्त आपने नमक का ख्याल रखना है, क्योंकि आपने यखनी में भी नमक डाला है और बाद में जब आप इसमें भी डालेंगे तो नमक तेज़ ना हो जाए, इसलिए आपने हिसाब से ही इसमें नमक वगैरह ऐड करना है। सारे मसाले ऐड करने के बाद फिर से हम इसको अच्छे से भून लेंगे। अब यहाँ पे जो मैंने इमली ली थी वो इसमें ऐड कर दूँगी और इसमें 1/2 लीमू और पुदीने धनिया के स्लाइसिस ऐड कर दूँगी। बाद में जो 1/2 है वो गार्निशिंग में डाल लूँगी इस तरीके से, और इसको मसाले को अच्छे से मैं तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए भून लूँगी।
दूसरी तरफ 15 मिनट हो चुके हैं और यखनी और गोश्त हमारा रेडी हो चुका है। गोश्त मैंने अलग कर लिया है अच्छे तरीके से क्योंकि गल चुका है, और यखनी को अलग कर लिया और इसमें से मसाले सारे मैंने छान लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा मसाला जो है वो अच्छे तरीके से भुन चुका है, तो अब मैं इसमें सबसे पहले गोश्त ऐड कर दूँगी और इसको इस अच्छे तरीके से मसाले के साथ मिक्स कर लूँगी ताकि इसके अंदर मसाले का जो है वो टेस्ट आ जाए। इसको 2 से 3 मिनट में अच्छे से भूनूंगी गोश्त को इसके साथ। यहाँ पे अगर आपको पानी की कमी महसूस हो तो आपने बाहर से पानी नहीं डालना, आपने जो यखनी बना के रखी है वही इसमें ऐड करनी है, क्योंकि मेन चीज़ पुलाव में यखनी ही है, उसी से इसका टेस्ट आएगा, क्योंकि गोश्त का सारा जो असर है वो यखनी में ही होता है, तो इसलिए आपने यखनी को ही पानी की जगह ऐड करना है। अब यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और गोश्त हमारा अच्छे से भुन चुका है, तो अब मैं इसमें यखनी ऐड कर दूंगी। यखनी जो है वो मैंने चावलों के हिसाब से ही लिया था, पानी नाप लिया था अच्छे से, तो अब मैं इसमें यखनी सारी ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और इस पॉइंट पे मैं इसमें जो मैंने पुलाव मसाला घर का बनाया हुआ है वो इसमें ऐड कर दूंगी। इसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह जल्द आपके साथ शेयर करूंगी, ये रेसिपी बहुत अच्छी होगी। पुलाव मसाला जब आप घर पे पुलाव में डालेंगे तो आपको देगी पुलाव की जो है कमी महसूस नहीं होगी, घर पे ही देगी पुलाव बनेगा आपका। ठीक है जी, अब इसको एक बॉयल आने तक हम बनाएंगे, उसके बाद इसमें चावल डालेंगे। अब मैं इसको कवर कर दूंगी ताकि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए और उसके बाद मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर देखें पानी को बहुत अच्छा सा जो है वो बॉयल आ चुका है, तो अब इस पॉइंट पे मैं इसमें चावल जो मैंने भिगो कर रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर दूंगी। चावल ऐड करने के बाद आपने बार बार इसमें चम्मच नहीं चलाना, 1 से 2 मरतबा बस चावलों को सेट करना, उसके बाद आपने इसको बार बार चम्मच चलाना नहीं है, क्योंकि बार बार चम्मच चलाने से चावल टूट जाएंगे और अच्छे नहीं बनेंगे। इसको एक दफ़ा हम अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह पानी के साथ। अगर आपको पानी का अंदाज़ा ना हो तो आपने इस अंदाजे से भी चावल बना सकते हैं कि चावलों से पानी 1-1 इंच ऊपर होना चाहिए, मतलब चावल उसमें अच्छे तरीके से डूबे हों, फिर आपके चावल बहुत अच्छे बनेंगे। इसको मैं फिर से कवर कर दूंगी और इसको बॉयल आने तक पकाऊंगी। यहाँ पर तकरीबन चावलों को 5 मिनट हो चुके हैं पकते हुए, तो इसको एक बार फिर से मैं चम्मच चला दूंगी इस तरह से। किनारों से ही आपने चम्मच चलाना है, अंदर सेंटर में बार बार चम्मच नहीं चलाना, बस साइडों से ही इसको 1-2 दफ़ा हिलाना है आपने। ठीक है जी, अब इसको कवर कर देंगे ताकि इसका पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो जाए और चावल हमारे गल जाए। दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने दही ले लिया है और इसमें 1/2 टीस्पून जर्दा कलर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बाज़ारों में जो चावलों में जर्दा कलर डालते हैं वो इस तरीके से डालते हैं, इसलिए उनका कलर चावलों का चेंज आता है। जब आप चावलों के अंदर डायरेक्ट कलर डालते हैं तो ऐसा फ्लेवर नहीं आता जैसा कि बाज़ारी होता है। तो यहाँ पे देखें चावलों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब इसी पॉइंट पे मैं इसको दम लगाऊंगी। जब भी आपने चावल कोई से भी बनाने हैं, जब आपके चावलों में इतना इतना पानी रह जाए तब आप उसको दम लगा दिया करें, उससे चावल पक भी जाएंगे और खिले खिले भी बनेंगे। अब यहाँ पे जो मैंने लेमन के स्लाइसेस और मिर्चें बचाई थी वो इस पर डाल दूंगी इस तरह से। उसके अलावा मैंने तली हुई प्याज ली थी जिससे पुलाव बहुत अच्छा लगता है, वो इसमें ऐड कर दूंगी। और लास्ट पे जो मैंने जर्दा कलर बना के रखा हुआ है वो इसके ऊपर लगा दूंगी इस तरह से, इस तरह से। जब आप इसको इस तरह जर्दा कलर लगाएंगे तो आप देखिएगा कि कितना प्यारा और खूबसूरत सा कलर आता है, ज़्यादा डार्क ना आएगा और बहुत ही प्यारा सा कलर आएगा। अब इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए मैं दम दूंगी, इसको पहले अच्छे तरीके से कवर कर दूंगी। मैं यहाँ पे फॉइल पेपर की एक ट्रिक से कवर कर रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने चावलों के ऊपर फॉइल पेपर को बिछा दिया, इससे हमारे चावल सारे ऊपर तक अच्छे से पक जाएंगे, कुछ कच्चे नहीं रहेंगे। इसको हम 20 मिनट का दम देंगे। यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम दम खोलेंगे तो काफ़ी स्टीम हो चुकी है। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारा सा जो है बीफ यखनी पुलाव बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए मैं आपको इसको मिक्स करके दिखाती हूँ, आप देखेंगे चावलों के दाने कितने खिले खिले बने हैं। पुलाव इस तरह का हो तभी मज़ा आता है। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, तो देखिए कितना ज़बरदस्त था और खिला खिला सा हमारा पुलाव जो है वो बनके कितनी जल्दी से तैयार हो चुका है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं डली जो कि आपके घर पे अवेलेबल ना हो, सब मसाले ऐसे ही हैं जो कि घर पे मिल जाते हैं आसानी से। तो इस तरह से आप अपने घर पे पुलाव तैयार करें तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। थोड़ा सा मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कि देखें चावल किस कदर खिले खिले बने हैं। ये देखें एक एक दाना चावलों का अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि चावल जुड़े हुए हैं या यखनी ज़्यादा है या गोश्त कुछ ऐसा है, सब कुछ मुनासिब है और बहुत ही अच्छे तरीके से बना। अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ।
तो ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा मेरा बीफ यखनी पुलाव बिल्कुल देगी स्टाइल में बनके ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आगे ईद आने वाली है, ईद पे तो इसे ज़रूर बनाइएगा और मेहमानों से इसकी तारीफ़ें बटोलिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में आके अपना फीडबैक, अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह किया करें कि आपको कैसी लगी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आगे जो है ईद स्पेशल रेसिपीज़ आ रही हैं जो कि आपकी ईद को चार चांद लगा देने वाली है। तो डोंट फॉरगेट अनायास फूड वैली और मुझे अपनी हाथ दुआ में याद रखिएगा। तब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।